हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम एंड डॉटर कुक्स। आज हम बनाने वाले हैं मुंबई का फेमस तवा पुलाव। मुंबई की स्ट्रीट फूड में ये तवे पे बनाया जाता है, पर हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। तो लेट्स मेक तवा पुलाव। तवा पुलाव के लिए हमें चाहिए टमाटर, बॉयल्ड राइस, कैप्सिकम, पोटैटो, ग्रीन पीज, कोरिएंडर, अनियन, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सूखे मसाले और नींबू। तवा पुलाव बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा गरम हो जाने के बाद इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए अनियंस डालेंगे। हम अनियंस को अच्छे से तेल में कुक करेंगे। अनियंस थोड़े ब्राउन कलर के हो जाए उसके बाद हमें उसमें हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे और ऐसे भी अच्छे से हम तेल में पका लेंगे। फिर हम इसमें 1 मीडियम साइज चॉप किया हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे, उसे भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। कुक हो जाने के बाद इसमें हमने 3 मीडियम साइज चॉप किए हुए टमाटर लिए है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से कुक होने देंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता है। थोड़े फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे इस स्टेज पे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, सो दैट सारे वेजिटेबल्स अच्छे से गल जाए। इसको हम थोड़े टाइम के लिए कवर करके 5 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे, सो दैट सारे वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाए और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। हम हमारे स्पैचुला के मदद से टमाटर को थोड़ा स्मैश करते जाएंगे और ये सब मैंने मीडियम फ्लेम पे किया है। फिर हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। दो टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। हम इसमें ऐड करेंगे 3 टीस्पून पाव भाजी मसाला और 1 टीस्पून गरम मसाला। हम सारे मसाले को वेजिटेबल्स में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला कुक होने के बाद हम इसमें थोड़ा पिंच ऑफ टर्मेरिक पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी राइस को बॉईल करते वक्त उसमें डाला है थोड़ा हल्दी। फिर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने से सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे। मसाले को हम अच्छे से कुक होने देंगे और अब ये स्टेज पे हम 1/2 कप बॉयल्ड किए हुए ग्रीन पीज ऐड करेंगे और मैंने 2 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए चॉप्ड पोटैटोज इसमें डाले हैं। वेजिटेबल्स को अच्छे से कुक करेंगे और हम पोटैटो को भी थोड़ा स्पैचुला की मदद से स्मैश करेंगे, सो दैट एक अच्छा इसमें टेक्सचर आ जाए। अब इसमें हम थोड़ा बटर डालेंगे। इस स्टेज पे बटर ऐड करने से तवा पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमारे वेजिटेबल्स अब कुक हो गए हैं। हमने इसमें 1/2 किलो चावल लिया है जो मैंने बॉईल करते वक्त उसमें थोड़ा हल्दी और नमक ऐड किया था। हल्दी ऐड करने से तवा पुलाव में एक बहुत अच्छा कलर आता है, तो आप प्लीज़ उसमें हल्दी ऐड करना। और मैंने राइस को 90% ही कुक किया था। 90% कुक करने से क्या होता है कि हमारे राइस है तो वो जब हम इसको मिक्स करते हैं तो राइस हमारा टूटता नहीं और पूरा राइस हमारा रहता है। और हम थोड़ा सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड हम इसको फाइनली कोरिएंडर के साथ गार्निश करेंगे। तो रेडी है हमारा तवा पुलाव। ये मुंबई स्टाइल तवा पुलाव आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। मैंने इसको अनियन, दही और पापड़ के साथ सर्व किया है। तो बन गया है हमारा मुंबई स्टाइल तवा पुलाव। आप भी इसे ट्राई करें और हमें ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to our channel. Bye.